हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जयमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आप जो लोग जिनके रिश्ते में खटास है, मनमुटाव चल रहा है, और जो अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हैं या उनके पर्सन उनकी तरफ का ध्यान नहीं दे रहे, क्या नज़दीकियाँ फिर से बढ़ेंगी? जो आपके लोगों के रिश्ते में कटैस है, जैसे दूरियां बन रखी है, तो रीडिंग का टॉपिक है क्या नज़दीकियां फिर से बढ़ेंगी? गाइस, ये रीडिंग ही शी सेम जेंडर सभी के लिए है, मैरिड और अनमैरिड सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसको देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना। अदरवाइज आपको कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस जरूर मिलेगी जो आपके हित में जरूरी है। तो चलिए पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिए। दूरियां नजदीकियां बन गई, कहो क्या बात है। गाइस, जब कोई रिश्ता अपने पास होता है, करीब होता है, फिर उसके बाद वो दूर हो जाता है तो बहुत ही दुख लगता है। वो जो इस दुख को झेलता है उसी को ही पता होता है। लेकिन ये जो मैं रीडिंग डालती हूँ, इसलिए डालती हूँ कि आप लोग पॉजिटिव हो, आप लोगों को तसल्ली मिले, आपकी चीज़ें सही से चले। आप जैसे अपने आप को नेगेटिव ला के गलतियाँ कर लेते हो, बाद में ना डालो और डिवाइन आपकी हेल्प करे इन कार्ड्स के जरिए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कार्ड कौन सा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। एक दूजे के लिए हम बने तुम बने। टू ऑफ कप्स। कितना प्यारा लग रहा है सिक्स ऑफ वर्ड्स के साथ। टू कप स्ट्रेंथ। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आज की रीडिंग होने वाली है मजेदार। फाइव ऑफ कप्स मैजिशियन के बाद लीजिए नाइट ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स। आ गई गाइस आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की। बॉटम आया टू ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, सबसे पहले मैं ये कहूँगी, रीडिंग देखते हो तो मैं रोज कहती हूँ आप पॉजिटिव होके देखिए, तो बीच में कमेंट आती है मैडम सामने शफल नहीं किए। देखिए, जैसे इंसान को आराम लगता है वैसे ही काम करेगा ना। जब मैंने स्टार्टिंग के कार्ड आपको सिखाने के डाल रखे हैं तो मुझे सामने शफल करने की ज़रूरत है। कभी कभी शाम सामने भी करती हूँ, जब कभी अकेले रीडिंग डालती हूँ तो पहले शफल कर लेती हूँ। तो इसलिए इन चीज़ों पे अगर विश्वास करते हो, मेरे साथ साथ इन कार्ड पे भी विश्वास कीजिए। इसको डिवाइन टैरो मैं इसलिए कहती हूँ
ये एनर्जी इन्होंने रीड करनी है, हम सिर्फ एक जरिया होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं कुछ नंबर बताती हूँ, शायद आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो। टू, नंबर टू, फाइव, सेवन, एट, वन टू फाइव सेवन एट, थर्टीन, नाइन और ट्वेल्व। तो गाइस ये कुछ नंबर है, हो सकता है आपके लिए ये आपकी मेमोरी में स्टोक हो, ये आपके पर्सन के और आपके इम्पोर्टेंट हो आपके लिए। कभी आपने डेट की हो, या कभी एक साथ घूमने गए हो, या इस दिन आपका बर्थडे हो, कभी उन्होंने आपको प्रपोज किया हो, या आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे गए हो। तो यहाँ गाइस सारे साइन आए हैं, अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन। तो ये जो कार्ड्स हैं 12 राशियों के आए हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेगी। सबसे पहले मैं आप ही से ही लेती हूँ कार्ड। ये क्वीन ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी है गाइस। आप दिल के बहुत अच्छे हो, आपने अपने पर्सन के साथ एक ट्रस्टवादी लॉयल्टी अपने रिश्ते में बरकरार रखी, लेकिन रिश्ते में कोई प्रॉब्लम या परेशानियों की वजह से, तनाव आने की वजह से आपके पर्सन इस टाइम दूर है। आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, फिर भी लाइफ में होप नहीं आपने छोड़ी, लेकिन होप के साथ साथ आपने नेगेटिविटी को भी पकड़ रखा है। तो आप बहुत दुखी हो, आपने आपको हार्टलेस जानते हो, आपको ऐसे लगता है कि जब ये पर्सन नहीं तो लाइफ में कुछ नहीं, जिंदगी बेकार है, खाली जिंदगी का टाइम पास हो रहा है, जीना नहीं है। इतनी परेशानियों में होके दिल दुखी दुखी रहता है आपका, टूटा टूटा रहता है, लेकिन आपको पर्सन का कुछ नज़र नहीं आता। ऑब्वियसली जब इंसान कोई करीब होता है, भले ही वो पर्सन के साथ आपका सेपरेशन फेस ना हुआ हो, लेकिन अगर वो करीब होता है, बाद में दूर चला जाता है, जब पास खड़े होकर इग्नोर करता है, बात नहीं करता, फ़ोन कॉल नहीं करता, मैसेज नहीं करता, तो और भी ज़्यादा दुख होता है। तो आपकी कंडीशन कुछ ऐसी है। नज़दीकियाँ भी, नज़दीकियों प्यार के लिए नज़दीकियों में आना ज़रूरी है, और नज़दीकियों के लिए दिल में प्यार होना ज़रूरी है। तो इस टाइम दो, उस टाइम आपके पर्सन चले गए, क्योंकि उस टाइम अब डिवाइन का यही शायद आपका समय ऐसा था, सेपरेशन फेस भी चल रखा है किसी का, कुछ लोगों का सेपरेशन फेस भी चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि दूरियां नज़दीकियों में बदलेंगी। तो मैं आपको बता दूं, जो आपके पर्सन है आपका, जैसे आप इंतज़ार कर रहे हो, तो वो पर्सन जो है आपसे दूर है, दूरियां चाहे उसने बना ली, लेकिन वो पर्सन की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। देखिए ये पर्सन भी दुखी है, कैसे गर्दन चुकाए हुए है, जो भी इन्होंने आपके साथ कुछ करा, चाहे इन्होंने लड़ाई झगड़ा करा, चाहे मीठे बन के आपसे पीछा छुड़ाया, या बिना वजह से आप में कमियां निकाल के खुद साफ होके निकल गए, लेकिन अंदर से इनको हर चीज़ का पता है और पूरा रियलाइज है, पूरा इनको पता है कि मेरी वजह से जो कुछ करा मैंने ही करा है। ये पर्सन अभी आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, और अपने किए पर पछतावा है इसको पूरा। इसके पास और ऑफर आती है, ये उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं देता? उस टाइम इसके अंदर स्ट्रेंथ की कमी थी। इस बंदे ने, या बंदा है या बंदी है, जो भी है, इसने रिश्ते की इतनी परवाह नहीं करी। ये आप अच्छे थे, भोले भाले थे, इसने सोचा कि आप मान जाओगे और कोई मानेगा नहीं, या यही कहो कि अपनी मनमर्जी करी, कंफ्यूज रहते हैं, थोड़े भोलेपन पे हैं, लेकिन रिश्ता इनसे संभाला नहीं गया। लेकिन इस टाइम ये बहुत डिप्रेस है, ये कंफ्यूज है,
ये चीज़ों को पास्ट को याद करके दुखी हैं और अपनी गलतियों का इनको बहुत पछतावा है। अगर आप यहाँ इंतज़ार कर रहे हो, इस बंदे ने आपके लिए जो रास्ते सारी दीवारें खड़ी करी, सारी देखी, हर चीज़ के लिए जितने रास्ते इसके तरफ आपके आते थे वो सारे इसने खड़े कर दिए। क्या हुआ, जब रास्ते खड़े करे, जब दीवारें खड़ी करी, तो इस पर्सन को खुश होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये दोनों, यहाँ भी इंतज़ार का कार्ड है और अकेले ही खड़े हैं, भीड़ में अकेले ही खड़े हैं, और यहाँ भी पछतावे का कार्ड है। ये पछता रहा है इंसान, ये सोच रहा है कि ये क्या हो गया, सारी तरफ खुद ही अपने आपकी तरफ दीवार खड़ी करी है और खुद ही अकेले अपने आप को समझ रहे हैं। इनकी परेशानियां, प्रॉब्लम जो थी इनकी अपनी थी, इन्होंने आपके रिश्ते को और आपको खराब करा, इस चीज़ का इनको रियलाइज़ है। लेकिन ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आती कि ये क्या करें। उस टाइम इनमें, जैसे कि मैंने बताया, जब रिश्ते में हिम्मत की ज़रूरत होती है, तो इस पर्सन में हिम्मत की कमी थी। लेकिन अब ये आप अपने पछतावे में हैं, अकेलापन फील करते हैं, और चाहकर भी, मैं आपको बता दूं, चाहकर भी आगे बढ़ते हुए डरते हैं। क्योंकि हर कोई सोचता है, जब इतनी इनको गलतियों का एहसास है, तो इनको ये भी पता है किस मुंह से आगे आऊं, किस मुंह से आपके पास आऊं, या किस मुंह से दोबारा रिलेशन की शुरुआत करूं, कैसे नज़दीकियाँ बढ़ाऊं, कैसे दोनों फिर दोनों एक हो जाएं, इनको लग रही है इसमें दिक्कत। तो गाइस, ये मन ही मन अपने रिश्ते को दोबारा ग्रोथ करने की सोच रहे हैं, ग्रोथ करने की सोच रहे हैं, यानी कि रिश्ते को बढ़ाने की सोच रहे हैं, रिश्ते को ग्रोथ करने की सोच रहे हैं। उस टाइम इन्होंने रिश्ते की ग्रोथ के टाइम जो रोका था, अब ग्रोथ करने की सोच रही हैं। और ये देखिए, दोबारा रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, दोबारा रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये पर्सन जो है स्पिरिचुअल हो गया है, मैनिफेस्ट करता है आपको, स्पिरिचुअल हो गया है, मैनिफेस्ट करता है, और अपने आप को, अब जैसे आपके साथ थे ये पर्सन, अब ये चाहते हैं कि अपने आप को और निखार के आपके सामने लेके आऊँ। वो मैं बोलती होती हूँ ना, बट्टी में पड़ जाता है सोना तो और निकल जाता है। इन्होंने परेशानियों में रह के, अब इनके एक थॉट इनके ये है कि अगर ये आपके सामने आए तो पहले से ज़्यादा निखरे हुए और पहले से ज़्यादा सेटल होके आए, ताकि आप किसी तरह से इनको रिजेक्ट ना कर सको, इनको देख के फिर इनकी तरफ बढ़ जाओ। तो गाइज, ये स्पिरिचुअल बन चुके हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, हैं चाहते हैं अपने रिश्ते की ग्रोथ। इस बंदे में या बंदी में पहले से काफ़ी फर्क आ गया है। उस टाइम इनमें स्ट्रेंथ नहीं थी, आज इनमें स्ट्रेंथ की कमी है, लेकिन इतनी नहीं है। लेकिन ये पर्सन, मैं आपको ये बता दूं, दिल के इतने बुरे नहीं है, दिल के इतने बुरे नहीं है, थोड़े फाइनेंस के लेके सीरियस हो सकते हैं, लालचीपन हो सकते हैं, उनकी इतनी इंटेंशन खराब नहीं थी जितना इन्होंने रिश्ते में आप लोगों के साथ हो गया। रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ, वो दीवारें गिरा के फिर आपकी तरफ। देखिए, एक्शन का कार्ड आया है, एक्शन का कार्ड क्या है कि अगर इनको मौका मिले तो ये अभी आपके पास आ जाए, हैं आपको प्रपोज करके मैरिज तक चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं। मैरिज हो, अगर आपकी बात कहीं कमिटमेंट में अटकी होगी या लीविंग में अटकी होगी, कैसे भी आप चाहते होंगे, तो आपके अनुसार ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि इनको अभी मौका मिले तो ये अभी आपको प्रपोज कर दें और अभी चीज़ें आगे ले जाएं। इनकी कंडीशन जो है ऐसी है, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए, इतने ब्यूटीफुल कार्ड आते हुए भी क्यों अटका हुआ है ये इंसान? क्योंकि ये आज भी कंफ्यूज है। कंफ्यूज किस में है? कंफ्यूज एक इसमें है कि आपका
और इनके रिश्ते में जो ड्रामे हैं, जो आप लोगों में आर्गुमेंट हुए, वो तो आपको पता है। एक तो इनको उससे डर लगता है, दूसरा इनको जिस भी वजह से इन्होंने आपसे अलग हुए, चाहे इनकी फैमिली हो, फाइनेंस हो, उन चीज़ों को लिए डरते हैं। ये नहीं चाहते कि दोबारा से वो रिपीट हो चीज़ें, इसीलिए ये डरते हैं। एक आपसे डरते हैं कि आप पता नहीं इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, दूसरा ये नहीं चाहते, उन चीज़ों से डरते हैं जिनकी वजह से ये अलग हुए हैं। गाइज, ये चाहते बहुत कुछ हैं, इनकी इंटेंशन इस टाइम आपकी तरफ खराब नहीं है। देखिए कार्ड कितने सुंदर आए हैं, ये कार्ड सोलमेट ट्विन फ्लेम को बताता है, कितने प्यारा कार्ड है ये आपकी तरफ अच्छे दिल से आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले से इनका बहुत फर्क पड़ गया, मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन इनकी मैनिफेस्ट क्यों नहीं तो भूल हो रही, क्योंकि आप इस एनर्जी में हो। लेकिन ये एक्शन का कार्ड बताता है कि ये एक्शन भी लेना चाहते हैं, आप लोगों का रिकन्सिलेशन भी होगा। लेकिन यहाँ अभी तक ऐसा कोई कार्ड नहीं आया कि आप लोगों की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, मतलब शुरुआत दोबारा होगी। एस का कार्ड कोई नहीं आया, लेकिन इनकी जो इंटेंशन है इन कार्ड्स में बिल्कुल प्योर है। ये मैनिफेस्ट भी करते हैं, आपकी तरफ बढ़ने के लिए उतावले भी है, रिश्ते में ग्रोथ भी चाहते हैं, प्रपोज भी करना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं इनके, क्योंकि ये इन सब चीज़ों के साथ चलना चाहते हैं। अकेलापन और टेंशनें और अपना पछतावा इनको जीने नहीं देता। लेकिन जो कंफ्यूज है, कंफ्यूज इस बात से है कि आप पता नहीं इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, गई भगा तो नहीं दोगे, दूसरा ये दोबारा नहीं चाहते कि जिस भी सिचुएशन की वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ा था, चाहे वो थर्ड पार्टी है चाहे वो फाइनेंस, दोबारा वो रिपीट हो, कहीं दोबारा से फिर रिपीट हो गई तो चीज़ें मैं रोज़ रोज़ कैसे सेटल करूँगा या करूँगी। इस पर्सन को इस बात की भी टेंशन रहती है। तो चलिए देखते हैं, कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं, रिश्ते में इतना वो आया है, देखिए नीचे भी चैरियट का कार्ड आया है, बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक्शन तो ये लेंगे, फिर भी देखते हैं कार्ड निकाल गए हैं, कब कब की वाइब्रेशन निकालते हैं, कब वन टू थ्री, वन टू थ्री। गाइस, अभी आपको 1.5-2 साल लगेंगे 23 में न्यू ट्रांसफॉर्मेशन रिश्ते का होते हुए नज़र आ रहा है। जैसे ही इस कार्ड में, अन कार्ड्स में बताया कि आपके लिए उतावले हैं, आपके लिए बगैर अकेलापन फील करते हैं, उन्होंने ऐसा इनके अंदर, ये आपके बगैर अभी इनका बहुत मुश्किल है, ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, एंटरटेन आपके साथ, आपके बगैर इनको अधूरा सा लगता है। लेकिन नेक्स्ट ईयर फाइनेंस की प्रॉब्लम्स इनकी हो सकता रहे, स्ट्रेस डिप्रेशन रहे, ये 23 में इनके रिश्ते, आप लोगों के रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। तो कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया काम है, जब प्यार किया है तो सब्र भी करना पड़ता है, देर सवेर होती ही है, लेकिन ये आपकी लाइफ में आपके करीब आएंगे, आपकी जो नज़दीकियाँ फिर से बढ़ेगी, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वेट का कार्ड है, सैद द डेविल का कार्ड ये बताता है कि वो पर्सन अभी बहुत उतावला है, आपके पास आना चाहता है, लेकिन हो सकता है आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन है, अभी वो जो साइकिल है पूरा नहीं हुआ। सेकंड ईयर फाइनेंस का स्ट्रेस और डिप्रेशन फाइनेंस की दिक्कतें हो सकती है, 23 में आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं।
चलिए एक कार्ड मैं निकालती हूँ आपके लिए, जो आप इतने डिप्रेस हो। क्वीन ऑफ व्हाट, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। देखिए गाइस, ये कार्ड आपका निकला है, आपको क्या लगता है ये कार्ड कैसा होना चाहिए? जैसी एनर्जी में आप खुद हो वैसे निकला ब्लैकिश। ये कार्ड ये बता रहा है कि आप भी बहुत कंफ्यूज हो, आपकी राय थोड़ी थोड़ी देर बाद बदलती है, आपको टेंशन जल्दी हो जाती है और इसीलिए आपके पास नेगेटिविटी आती है। कहीं ना कहीं रिश्ता खराब हुआ है, थोड़ी बहुत ही फॉल्ट आपकी भी थी। लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि ये देखिए रीडिंग में आपका ये आया हुआ है, ये कार्ड ये भी बताता है कि नेगेटिविटी से आपको निकलना होगा। जो आपके अंदर कन्फ्यूज़न है, जो आपका नेचर है, कुछ लोगों का, सबका नहीं मैं कह रही, जनरल रीडर है, कुछ लोगों का नेचर होता है मिनट मिनट में नेगेटिव थॉट आते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, उस टाइम तो ये कह रहा था, पर्सन की तरफ से बोल रही हूँ, उस टाइम तो ये कह रहे थे, अब तो भूल गए, अब कैसे चल रहा है, ऐसे ऐसे थॉट आते हैं। जो दूर बैठे हमें नहीं पता कि वो पर्सन उधर क्या कर रहा है, वो परेशान है या खुश है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे हम अपने ख्याली पुलाव बना रहे हैं और उसी को रेज करके अपने अंदर क्या कर रहे हैं, नेगेटिविटी इकट्ठी कर रहे हैं। भले ही वो पर्सन वहाँ परेशान हो, लेकिन हमें अपने ख्याली पुलाव, आपका थोड़ा ऐसा है कि आप सोचते बहुत हो, ओवर थिंकिंग कम करो। मिनट मिनट में ओवर थिंकिंग जो करता है इंसान, वो मिनट मिनट में एक चीज़ को कई पॉइंटों से सोचता है। वो सब चीज़ें घटा के नेगेटिविटी से तभी निकलोगे। नेगेटिव अपनी रिमूव करो, पॉजिटिव बनो, अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले। जब अपने आप से प्यार करोगे, अपनी रिस्पेक्ट करोगे, तभी आगे जाओगे, तभी वो पर्सन की एनर्जी भी सही होगी। देखिए उनका भी कार्ड जो आया तीसरे का डेथ का आया है, इसलिए पॉजिटिव बनिए। आपकी एनर्जी जो है उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होगी, क्योंकि आप दोनों का है रिश्ता, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, लिविंग में भी हो सकते हो, लव रिलेशन में भी हो सकते हो, तो इसलिए आपकी एनर्जी उधर जाएगी और जैसा इंसान भेजता है वैसा ही फल मिलता है। तो ये थी आपकी रीडिंग, इसका टॉपिक था क्या फिर से नज़दीकियाँ आएंगी। तो गाइज ऑब्वियसली नज़दीकियाँ आएंगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए इस टाइम पॉजिटिव है, आपकी तरफ क्विक एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कार्ड बता रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट कीजिए, चीज़ें वर्क चीज़ें पहले हो जाती। अगर मैनिफेस्ट करोगे तो ज़रूरी नहीं 22 में भी ये आपका काम बन जाएगा। तो ये थी रीडिंग, मैं करने जा रही हूँ क्लोज्ड। अगर ये आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचेगा आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतनी ही, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मत, दूरियां नज़दीकियां बन गई, कहो क्या बात है।